मुंबई हवाई अड्डे पर कोविड के बाद यात्रियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा, 1,30,374 यात्रियों ने की आवाजाही। 30 सितंबर से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। वेदांता फॉक्सकॉन विवाद पर बोले अजीत पवार, अघाड़ी सरकार में परियोजनाओं महाराष्ट्र से गई। पात्रा चौल घोटाला, ईडी की चार्जशीट में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम का भी नाम। मुंबई में लड़कियों को टॉयलेट में तांग झांक कर रहा युवक गिरफ्तार, आईआईटी बॉम्बे की घटना मुंबई। लंपी स्किन रोग का प्रकोप रोकने के लिए महाराष्ट्र में पशुओं की आवाजाही पर रोक। थाने, रायगढ़ और पालघर में खुलेंगे 14 सेवा क्लिनिक, ईएसआईसी ने शुरू की जगह की तलाश। उद्धव गुट को बीएमसी की चुनौती, अनुमति मिले या ना मिले शिवाजी पार्क में ही करेंगे दशहरा रैली। आईआईटी मुंबई में भी सामने आया एमएमएस कांड, कैंटीन कर्मचारी ने बाथरूम की खिड़की से रिकॉर्ड किया वीडियो, लड़की ने लगाया आरोप। सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना का चुनाव खत्म कर रही। अनुराग ठाकुर बोले महाराष्ट्र में मजबूत भाजपा से सत्तारूढ़ गठबंधन को होगा फायदा। गणपति बाद भी मुंबई के सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे, सोशल मीडिया पर शिकायतों की अंबार। 9 राज्यों ने दिया राहुल को अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव, एक और राज्य ने जताई राहुल के अध्यक्ष बनने की इच्छा। ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी और शिंदे सेना गठबंधन को बढ़त, 581 में से 299 सरपंच पदों पर मिली जीत। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारायण राणे के बंगले पर अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया। कांग्रेस ने किसानों की आत्महत्या को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा इसके लिए केंद्र की विफल नीतियां जिम्मेदार। पुणे में 19 साल की लड़की से 40 साल के डिलीवरी बॉय ने की छेड़खानी, गिरफ्तार। लंपी बीमारी से राजस्थान में हजारों पशुओं की मौत, बीजेपी का सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन, राहत की बात मनुष्यों में नहीं फैलता। मुख्यमंत्री शिंदे ने किया मराठाओं को आरक्षण देने के लिए उप समिति का पुनर्गठन, चंद्रकांत पाटिल प्रमुख नियुक्त। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले पर अवैध ढांचे को गिराने का आदेश दिया, 10 लाख का जुर्माना भी लगाया। कांग्रेसियों के उड़े होश, 8 साल में बीजेपी में शामिल हो गए 8 राज्यों के मुख्यमंत्री। हर दिन 30 से ज्यादा अन्नदाताओं कर रहे हैं आत्महत्या, पुणे किसान सुसाइड मामले पर कांग्रेस का बीजेपी पर तंज। मुंबई में बच्चा किडनैपिंग के वायरल फेक मैसेज से मचा हड़कंप, जांच में जुटी मुंबई पुलिस। प्रियंका मर्डर केस में बड़ा खुलासा, सौतन ने रची थी खौफनाक साजिश, 6 लोगों के साथ मिलकर दे दी दर्दनाक मौत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जैसे चेहरे, उनकी तरह चाल ढाल वाला एक व्यक्ति सामने आया है जो लोगों को गुमराह कर रहा है। यही नहीं, एकनाथ शिंदे जैसे हूबहू दिखने वाले विजय नंद कुमार मानी नामक व्यक्ति आपराधिक छवि के गैंगस्टर के साथ फोटो सोशल मीडिया पर डाल रहा है और खुद की फोटो वायरल कर रहा है। गैंगस्टर के साथ सीएम के हमशक्ल की फोटो वायरल होने से उनकी छवि धूमिल हो रही है। इसके बाद पुणे के बंड गार्डन पुलिस स्टेशन ने नंद कुमार माने के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुणे क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने माने के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार आरोपी विजय नंद कुमार माने अम्बे गांव का रहने वाला है, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जैसा दिखता है। सीएम शिंदे की तरह बनावट, उनकी तरह कद काठी, उनकी ही तरह दाढ़ी रखता है और सीएम शिंदे की तरह ही चाल ढाल। विजय नंद कुमार माने नाम के इस शख्स गैंगस्टर शरद मोहाले के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की, जिससे लोगों में मुख्यमंत्री की छवि धूमिल हो रही है। छत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमीत राहणारा मी एक सामान्य माणूस आहे आणि प्रभू श्रीरामांच्या आणि छत्रपतींच्या विचारांवर चालणारा माणूस आहे। सर्वसामान्यांच्या सेवेकरता मी सगळ्या गोष्टी करत होतो, परंतु ज्यांनी कोणी हे फोटो काढले आहेत ते फोटो मला माहिती नसताना नकळत काढलेले आहेत आणि पोलीस त्याच्या शेजारी माझ्या शेजारी थांबलेले आहेत आणि पोलीस स्टेशनमधला ही सगळी गोष्ट आहे आणि व्हायरल करणारा व्यक्ती कोणीतरी दुसरा असून देखील शहानिशा न करता माझ्यावरती
जो गुन्हा दाखल केला आहे मी वेळोवेळी पोलिसांना सहकार्य देखील करत आलो आणि मुख्यमंत्री साहेबांना आणि त्याचबरोबर आपले जे कोणी व्यक्ती आहेत न्यूजच्या माध्यमातून टी व्ही चॅनल्सच्या माध्यमातून मी सांगितले वेळोवेळी की मुख्यमंत्री म्हणजे माझ्यासाठी देव आहेत आणि महाराष्ट्राचा प्रथम नागरिक आहेत. त्यांची प्रतिमा कधी मलिन होईल असं कार्य मी कधी केले नाही आणि करणारही नाही, कारण मी त्यांना देवासमान मानतो, कारण माझ्या गुरुप्रमाणे ते आहेत. तरी देखील माझ्यावरती काही लोकांनी चुकीचा गैरवापर करून माझी बदनामी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि मी मुख्यमंत्र्यांची कधीच बदनामी केलेली नाही, नेहमी समाजसेवा करण्याचाच प्रयत्न केलेला आहे. आपल्यासारखे सर्व न्यूज चॅनलनीच मला प्रसिद्ध केलं होतं, उचलून धरलं, त्याचा उपयोग मी फक्त समाजसेवा करण्याकरता करत होतो. माझी अशी कोणतीही भावना नाही की मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेला धक्का लागेल किंवा त्यांचं इमेज खराब व्हावी अशी माझी कोणतीच अपेक्षाही नाही. तरी सर्वांनी मला सहकार्य करावे आणि सर्व महाराष्ट्रातील जनता माझ्या पाठीशी उभी राहील याची मला खात्री आहे. जय हिंद, जय भारत, जय श्रीराम, जय शिवराय.